ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुख करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां तनहाई बैरक में रखे गए अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी जेल से लेकर आई प्रयागराज पुलिस, किया प्रतापगढ़ के जिला कारागार में दाखिल। अशरफ अतीक हत्याकांड के तीनों सूत्रों को आज प्रतापगढ़ के जिला कारागार में दाखिल कर दिया गया है। मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा प्रतापगढ़ के जिला कारागार की, जहाँ प्रयागराज में हुई अतीक अशरफ के हत्याकांड के तीनों जो शूटर हैं उनको प्रतापगढ़ के जिला कारागार में आज दोपहर 2:30 पर दाखिल किया गया है। और एक सीधी तस्वीर देखिए, जिला कारागार में इस बात की भनक किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं थी। हालांकि बाद में जिला अधीक्षक ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों जो शूटर हैं लवलेश, सनी और अरुण को प्रतापगढ़ के जिला कारागार लाया गया है, जहां उनको दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी ललेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर को नैनी केंद्रीय कारागार में रखा गया था। नैनी कारागार में हत्या आरोपियों को जान का खतरा बताया गया। डीएम की अनुमति मिलने पर सोमवार दोपहर अचानक प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर प्रतापगढ़ जेल पहुंच गई। काफले में प्रिजन वैन के अलावा एम्बुलेंस और इनोवा कार भी शामिल थे। आरोपियों को आनंद फानंद में जेल में करीब 2:10 पर दाखिल कर दिया गया। जेल के बाहर नैनी जेल की पुलिस ने सुरक्षा का इंतजाम देखा, जबकि भीतर बैरकों के बाहर निगरानी के लिए डिप्टी जेलर और बंदी रक्षकों को सतर्क कर दिया गया। जेल के अफसर हत्या आरोपियों को जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर सहमति जताई, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। सूत्रों के अनुसार जेल में विवाद की आशंका को देखते हुए तीनों आरोपितों को तनहाई बैरक में रखा गया। उनकी निगरानी के लिए डिप्टी जेलर समेत 2 सशस्त्र बंदी रक्षक को भी लगाया गया है। जेलर राजेश पांडे ने बताया कि आरोपियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। बवाल की आशंका से कारागार प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट रहा और जिला कारागार में हत्या लूट के हत्यारोपी निरुद्ध हैं, जिसमें कई प्रसंगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जेल में प्रयागराज के भी कुछ बंदियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने हवाला दिया है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर, जहां पुलिस प्रशासन नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल के अलावा पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल लगातार नामांकन स्थलों का निरीक्षण करते रहे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। इस दौरान प्रतापगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद की बात की जाए तो हरिप्रताप, संतोष, विजय, सादिक, महिमा, वरुण सिंह समेत कुल 35 दावेदारों ने ताल ठोकी है। नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए 184 और 18 टाउन एरिया अध्यक्ष के लिए कुल 358 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। बता दें कि नगर निकाय नामांकन के अंतिम दिन नगर पालिका परिषद में नामांकन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा से हरिप्रताप सिंह, सपा संतोष यादव, आम आदमी पार्टी संतोष कुमार गुप्ता, बसपा से सादिक अली, कांग्रेस से ज्योति कुमार तिवारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं अपनी पार्टी से बगावत करके नामांकन करने वालों में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह, सपा से महिमा गुप्ता के अलावा विजय सिंह, विनय सिंह, अब्दुल रहमान सहित कुल 35 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। जिले के 18 टाउन एरिया में अध्यक्ष पद के लिए 358 और सभासद के लिए 1594 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन करने वालों में भाजपा और सपा में टिकट नहीं पाने वाले दावेदारियों के मैदान में उतरने से नामांकन करने वालों की संख्या बढ़ गई। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 35 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जबकि 25 वार्डों के लिए 184 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन स्थल पर भीड़ अधिक बढ़ने से टोकन सिस्टम लागू करना पड़ा, जिसकी वजह से नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। जिले के 18 टाउन एरिया में अध्यक्ष पद के लिए कुल 358 लोगों ने पर्चा भरा है, जबकि 279 सभासद पद के लिए पर्चा भरे हैं। साथ ही 1594 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए 28 और सभासद के लिए 110 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, जबकि टाउन एरिया अध्यक्ष के लिए सोमवार को 268 प्रत्याशियों और सभासद के लिए कुल 806 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, इसलिए सभी प्रत्याशियों और उनके अभ्यर्थियों को मौजूद रहने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला की खबर की, जहां तहसील में नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को नामांकन का पर्चा जमा करने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भारी भीड़ लगी रही। रानीगंज से अध्यक्ष के लिए कुल 18 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। भाजपा से निवर्तमान अध्यक्ष मीरा देवी ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया, वहीं कांग्रेस से कुसुम देवी और सपा से मुन्नी ने पर्चा दाखिल किया। बीएसपी से आयशा बानो ने नामांकन किया। सभासद के लिए प्रमुख दलों सहित कुल 53 प्रत्याशियों ने पर्चा जमा किया।
पृथ्वीगंज से अध्यक्ष पद पर कुल 23 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा जमा किया। इनमें भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने 3 सीटों में नामांकन किया। सपा से नरेंद्र पाल, AIMIM के प्रत्याशी अरुण पासवान, अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी संजीव सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सभासद के लिए कुल 101 उम्मीदवारों ने पर्चा जमा किया। वहीं सुमनसर से अध्यक्ष पद पर कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इनमें भाजपा प्रत्याशी रामूर सोनी उर्फ शिवपाल ने 2 सीट में नामांकन किया। सपा प्रत्याशी डॉक्टर शेर बहादुर ने 2 सीट में नामांकन किया। बैरमपुर वार्ड से BSP के सलन अली ने भी अपना नामांकन किया है। सभासद के लिए कुल 108 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा के अलावा पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके के रामगंज नगर पंचायत की, जिसमें 18 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि पहली बार अस्तित्व में आई रामगंज नगर पंचायत से इस बार कुल 18 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी से राकेश कुमार सिंह तथा समाजवादी पार्टी से घनश्याम यादव और भाजपा से बागी उम्मीदवार के रूप में राम उजागर मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि श्री चंद्र ने आजाद समाजवादी पार्टी से अपना उम्मीदवारी जताई है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के सपा के बागी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह, ब्रिजेश प्रताप सिंह, फूलचंद हरिप्रसाद सिंह, समृद्ध राजेश मौर्य, अंजू सिंह, राम तीरथ समेत तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बात करेंगे अगली खबर, बसपा प्रत्याशी सत्य साहू पर दर्ज हुआ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बता दें कि नामांकन के दौरान जुलूस निकालकर बसपा प्रत्याशी पर आचार संहिता के धज्जे उड़ाने का आरोप लगाया गया और बिना परमिशन बसपा प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ इलाके में जुलूस निकाला था। इस मामले को लेकर नगर कोतवाली पुलिस ने सत्य साहू समेत 100 अज्ञात समर्थकों पर मामला दर्ज किया है। बता दें कटरा मेदीगंज से नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं सत्य साहू और मुकदमा दर्ज होने की वजह से कटरा में अब जो चुनावी सरगर्मी है वह बढ़ गई है।